ओके मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदान। अमी केवा पुण्यशाली, अमी केवा पुण्यशाली, सजवान भूमि का आदि भगवाननी भूमि का आदे है मैं निहारी। अमी केवा भाग्यशाली, हमें केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति चावी पारी। नानी पुरुष पासे मुक्ति चावी बाड़ी। अमे केवा पुण्यशाली, हमें केवा पुण्यशाली, स्वरूप था ईमानुषे आगम स्वरूप था मार्ग सत क्रमाशमा आस्वाद शुदिनो छे सत क्रमाशमा आस्वाद शुदिनो छे आस्वाद श्रुति नो छे वांदाने वच काशो अज्ञान मान्यता एणे दीधी उड़ावी। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। जय हो गया, खत्म हो गया। हाँ तो जय सच्चा आपने बोला नहीं, जय सच्चिदानंद। ओके अभी तो टाइम है तो दरअसल शुद्धात्मा पोते प्रात आती है, आती आती है क्यों? ओके श्रिया। सच्चिदानंद, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव आत्मा बिराजमान छो, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અવેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે જે દોષો કર્યા છે તે સર્વે દોષોની આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું। તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પાડું છું।
हे प्रभु मने क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो अने फरीथी वदस न करो एवी आपने परम शक्ति आपो। हे शुद्धात्मा भगवान आप एवी कृपा करो कि मने भेदभाव छूटी जाए अने अभिद स्वरूप प्राप्त थाय। हूँ हमें तमारामां अभिद स्वरूप तन्याकारी जय सच्चिदानंद। वेरी गुड कर्सल, कल आपको बोलना पड़ेगा। ओके ओके हाँ। अभी टाइम है माया शांति, तो हम नव कलम क्विकली बोलते हैं। श्रेया दीदी नंबर वन। हे दादा भगवान मने कोई पण देहधारी जीवात्मा नो किंचन मात्र पण अहम न दुबे न दुबावे के दबावा प्रत्ये न अनुमोदय एवी परम शक्ति आपो। मने कोई पण देहधारी जीवात्मा नो किंचन मात्र पण अहम न दुबे एव स्यादवात वाणी स्यादवात वर्तन अने स्यादवात मनन करवानी परम शक्ति आपो। मनन करवानी परम शक्ति आपो। नंबर थ्री मोनिका। दरअसल नंबर फोर। हे दादा भगवान मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार ज्यारे पण न कराई न करावाय के कर्ता प्रत्ये न अनुमोदय एवी परम शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। दीदी नंबर फाइव। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मने कोई पण देहधारी जीवात्मा साथे क्यारे पण कठोर भाषा तंतीली भाषा न बोलाय न बोलावाय के बोलवा प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो मने मृदु रुजु भाषा बोलवानी शक्तियो आपो। नंबर सिक्स विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मने कोई पण देहधारी जीवात्मा प्रत्ये स्त्री पुरुष अगर नपुषक गम्मे ते लिंगधारी होय तो तेना संबंधी किंचित मात्र पण विषय विकार संबंधित दोषो इच्छाओ चेष्टाओ के विचार संबंधी दोषो न कराय न करावाय के कर्ता प्रत्ये न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपो। नंबर सेवन कुशाल। नंबर एट दशना। हे दादा भगवान मुझसे किसी भी देहदायी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी ठेस ना पहुंचे चाहे वह प्रत्यक्ष हो परोक्ष जीवंत हो या मर किसी का भी किंचित मात्र भी अनुवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चे। नंबर नाइन दिव्या खुशी अहमदाबाद करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान मने जगत कल्याण करवानो निमित्त बनवानी परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो। दिव्या नंबर नाइन बोलो। वेरी गुड ओके ओके महेश दादा अभी त्रिमंत्र बुलाए बाढ़ को फॉलो करेंगे। हाँ 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 नमो वितरागाय नमो अरिहंताण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोये सव साहुण नमो लोये सव साहुण।
ऐसो पंच नमुक्कारो सौ अपावपणा शृणो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दरअसल आपको डेली प्रेयर आता है? हाँ, अब बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा आगे अपने साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूं और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी जी के साथ? हाँ, आज अच्छा रहा। के चिनाय। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी शाप हमें दे। दिव्या अहमदाबाद खुशी करिश्मा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, खाना नहीं खाया है आज, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। आज देखेंगे स्टडीज में अभी कितना है। एक एक मंथ हो गया स्टडी स्टार्ट होके, दो महीना, कितना महीना हो गया खुशी? मिड जून इट स्टार्टेड। हाँ, मिड जून जुलाई। ओके, एक महीना हो गया ना? यस। तो अभी स्टडीज में कैसा रहता है? एक्स्ट्रा स्टडीज करने पड़ती है कि नहीं, और सब सब्जेक्ट फेवरेट हो गया कि नहीं, तो बताने का। श्रेया, मम्मी नहीं बताएगी, आपको बताने का है। बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझको एक्स्ट्रा स्टडीज करनी पड़ती है। मुझको हिंदी सब्जेक्ट पसंद अच्छा नहीं लगता है, और मेरे पढ़ाई में होमवर्क और सब रेगुलरली होता है। क्या आपको अच्छा क्या नहीं लगता है? हिंदी। हिंदी, देखो दादा, अब महेश दादा बोलेंगे बाद में, दादा का वोकैबुलरी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए हम आप बच्चे लोग को क्यों अच्छा नहीं लगता है हिंदी? नहीं, पहले बोलो कि हिंदी क्यों सीखना चाहिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज क्यों? तो अपने आप फिर सब लाइन में आएगा।
नहीं मालूम, मम्मी को पूछो किसको मालूम है विजय दीदी, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। उसका मतलब क्या है राष्ट्रभाषा यानी? वो तो वो इंग्लिश में पढ़ती है, उसको हिंदी नहीं आती है तो क्या समझेगी? नेशनल लैंग्वेज है। व्हाट डज नेशनल लैंग्वेज मीन श्रिया? जो हम पहले से सीखते आए हैं, हमारा जो सब इंडिया को आता है। एनीवेयर यू गो इन इंडिया यू कैन स्पीक दैट लैंग्वेज, इसीलिए सभी स्टेट में हिंदी लैंग्वेज सिखाते हैं, तमिलनाडु में भी सिखाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में 50 मार्क्स का ही होता है, दे डोंट लाइक हिंदी, है ना? नहीं, क्वार्टरली और एनुअल के तब 100 मार्क्स होता है। नो, खुशी ने तो ना बोला है। मुझे पता नहीं उसका सर्कुलर। व्हाटएवर इट इज नेशनल लैंग्वेज, मदर टंग पता है? What is your mother tongue? Hindi, Marwadi, Gujarati. Shriya. Gujarati. Pakka ki English? Nahin, Gujarati. So you must know your mother tongue, you must know national language, you must know international language also. Aur aisa bataya ki if you know one foreign language, it will be very good. Bolo. Aur ye aapki umar hai na? आप लैंग्वेज ऐसे सीख लोगे लाइक दिस, पर ये नहीं अच्छा लगता है ना, वो वायरस को निकाल देने का है। नहीं अच्छा लगने में क्या है उसमें? ऊपर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, इसीलिए नहीं। फिर बोलो जल्दी, नहीं अच्छा लगने में क्या है? सब कुछ नहीं है तो ऐसा है। जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद चिन्ना है। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं मुझे मैथ्स में एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है और तमिल में भी करनी पड़ती है, और मुझे पसंदीदा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मैथ्स और तमिल। मैथ में क्या है पसंद नहीं है? मैथ। ओके, ये दबी दूसरा मैथ का दूसरा शब्द आया पसंद नहीं है, करिश्मा। करिश्मा अच्छा रिपोर्ट नहीं भेजा। ओके खुशी दीदी आओ, मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद, अभी मुझे मैथ्स अभी फेवरेट सब्जेक्ट होने लगा है, मैं अभी उसमें हर रोज एटलीस्ट मैं 10 सम्स करती हूँ डेली, और मुझे अभी सारे सब्जेक्ट फेवरेट है। क्या है? सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट है। वेरी गुड। काठियावाड़ी दरसल। जय सच्चिदानंद, मुझे अभी हिस्ट्री में एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है, और मुझे हिस्ट्री अलग नहीं पसंद है। क्यों? हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं मालूम है आपको? हमारी नॉलेज के लिए। तो आपको नॉलेज नहीं मांगता है? हाँ। कौन सी नॉलेज, किसकी नॉलेज? सब किंग्स की। हिस्ट्री, व्हाई डू यू लर्न हिस्ट्री? मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनकी, उन्होंने क्या किया, उनकी नॉलेज प्राप्त की, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, वो जानने के लिए है ना। हाँ। तो वो जानेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ। सो दैट्स व्हाट यू लर्न हिस्ट्री, इसीलिए सीखना है ताकि हमें पता चले कि जो पहले गलती हो गई है वो हम दोहराए नहीं। लेकिन वो तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ना, वो वर्ड निकाल देने का है, बोरिंग सब्जेक्ट, अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल पसंद नहीं है,
वो निकल जाएगा तो उसमें क्या है, कितने साल पढ़ने का है हिस्ट्री? 25 years 50 years हाँ कितना? 25 years नहीं फिर 2-3 अभी बाकी हाँ 10 years विद बहुत ज्यादा से ज्यादा 1-10 होता है फिर तो 11-12 में तो सोशल स्टडीज निकल जाती है अनलेस यू टेक बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में शायद आता होगा समझ में आया कोई सब्जेक्ट के लिए वरना आपका स्कोर बिगड़ेगा अगर आपको आपका स्कोर बिगाड़ना है मार्क्स बिगाड़ना है तो ये डिसलाइक रखना वरना डिसलाइक को लाइक में बदल देने का है बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोलने का तो फिर वो अंदर अपना ओपिनियन बदल जाता है तो अब नेचुरली वो लाइकिंग और उससे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगेंगे जय सच्चिदानंद हाँ जय सच्चिदानंद मुझे मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट तो सब है तो अभी प्रैक्टिस क्यों करना पड़े अभी तो अभी आपको 100% नहीं आते है नहीं क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम है मुझे पसंद नहीं है मैथ्स नहीं मस्ती बहुत करती है नहीं पसंद ही नहीं है से नहीं करते है उसको आता है सब दीपक दादा तो कंसंट्रेशन से नहीं चलता है ना और रिपीट नहीं करता है मैथ का हाउ टू गेट 100 out of 100 इन मैथ इसका क्या मालूम है यू राइट योर सम एंड अगेन चेक इट और चेकिंग में मिल जाता है मिस्टेक तो बाद में किधर होगा भूल दीदी आपका क्या हालत है कॉलेज का अभी तो मेरे 2 महीने की देरी है ओके दर्श कुशाल आज मैंने आज एक्सरसाइज में हिंदी किया था क्योंकि कल मेरे हिंदी का एग्जाम है और मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है दर्शना वेरी गुड कीप इट दैट वे हाँ मुझे मुझे बायोलॉजी में एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है क्यों नहीं है फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है कि है नहीं है क्यों फिर डिफिकल्ट आपका आपका शरीर बायोलॉजी है मालूम है आपको आपका शरीर मालूम नहीं आपको अच्छा नहीं लगता आपका शरीर लगता तो बायोलॉजी इज योर बॉडी नेचर वो सब बायोलॉजी में आता है और 5 घंटा फ्री में क्या करते हैं पढ़ाई करती हूँ अभी तो क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं क्या अभी पढ़ाई करती हूँ एग्जाम्स चल रहे हैं तो फ्री टाइम कैसे आप तो लिखते हैं रिपोर्ट में क्या लिखा आपने 5.5 hours फ्री टाइम उसमें पढ़ाई की थी नहीं वो आपको रिपोर्ट अच्छा नहीं है तो और खुशहाल और सब सबको लिखो टाइमिंग लिखो स्टडी का कितना घंटा स्कूल जाते हैं कितना ट्यूशन जाते हैं कितना एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं दर्शना यू नीड टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली आरुष जय सच्चिदानंद मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है और मुझे एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है आपको कैसे पसंद है आपको मैथ में कितना आता लास्ट ईयर कितना आया था मैथ में और मम्मी को क्यों पूछते हैं आपको मालूम नहीं है 50% भी नहीं आए थे तो हाउ पसंद कैसे हो सकता है और सोचो सोचो अव्य आज है सच्चिदानंद मेरे को मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और मेरा अनफेवरेट
इंग्लिश और फिजिक्स सब्जेक्ट है। क्योंकि आपका फेवरेट तो टीवी है ना, 2 घंटा टीवी देखने का, तो ये 2 घंटा टीवी देख के तो आपको तो टीवी वाला पास करेंगे ना। नहीं, व्यूअरशिप का उनको गिफ्ट देंगे। देखो अभी आई डोंट नो हाउ यू गेट टाइम 2 आवर्स, ये क्योंकि वीकनेस है स्टडीज में। अनन्या दीदी आपका क्या हाल है? अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई, कब स्टार्ट होगी पता नहीं, अभी मैसेज नहीं आया। डोंट नो। ओके जय सच्चिदानंद। ओके दीपिका आपको बोलने का है कुछ कि महेश दादा बोलेगा अभी? यस, एक मिनट। पहली बात ये है कि सो सॉरी टू से कि आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। आई डोंट नो कैसे कि आपने टाइम टेबल बनाया भी है, बनाया कि नहीं? हाँ। मुझे भेजा तो नहीं, किसको भेजा? श्रिया, आपने टाइम टेबल बनाया अपना? तो खुशी ने बनाया है। खुशी फॉलो करती है? डू यू फॉलो खुशी? हाँ। आर यू फॉलोइंग द टाइम टेबल? नहीं, आज नहीं किया। कब करेंगे? मेरा 4 घंटा उसके पीछे गया है, पता है? 4 आवर्स। ब्यूटीफुल टाइम टेबल। क्या करेंगे बोलो, ऐसा है। ये तो मैंने तो 4 आवर्स ही किया। आपके डैडी मम्मी तो आपके लिए कितना टाइम निकालते हैं? नहीं निकालते हैं? जब आप परफॉर्म नहीं करते तो उनको कैसा लगता होगा? बुरा लगता हो। वो लोग अपना काम ठीक से करते हैं कि नहीं? करते हैं। पक्का? लेकिन डैडी मम्मी को पूछे कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ते तो ना बोलते हैं। और अव्य को मम्मी ना बोलती है तो भी टीवी देखता है, ऐसा है अव्य? क्या है? लेकिन खेलो ना, ये क्या टीवी देखते हो पागल की तरह? 2 आवर्स दादा। अरे 4 घंटा खेलो, मैं बोलता हूँ। लेकिन खेलने से आपके दिमाग, आपका शरीर इतना पावरफुल होता है, ये तो गार्बेज होता है, टोटल अटर वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी सब कुछ। अब हम हमारे रिसोर्सेस, ये बॉडी अपना रिसोर्स नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कितना डैमेज करते हैं, समझ में आता है? यही सच्चिदानंद। ओके कृपा, लेट अस सी योर रिपोर्ट ऑन द नियम। हाउ आर यू डूइंग? ओके सो आई हैड टू वेक अप एट 8, सो आई डिड इट। आई वेंट टू द पार्क फॉर 3 आवर्स टू रन अराउंड। आई वेंट टू स्लीप एट 9:30। My satsadhan, I did it all 14 out of 14, and I helped my parents. Okay. So how much free time you have? All the free time, right? Vacation. I only have until 1 o'clock, and then I go at 2:30 to the park till dinner time. Oh, okay. Oh, you have a good timetable. Okay. Okay, my dada. हाँ, टॉक इन इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी, तो कृपा कैन अंडरस्टैंड। ये पीपल चिल्ड्रन आर सेइंग दे गेट बोरिंग, अच्छा दे डोंट लाइक इट एट दिस एज, व्हाट दे शुड बी डूइंग? कौन बोलता है? इसका आवाज आता था, अभी बंद हो गया लगता है। ओके ओके ओके। हाँ बोलो। हाँ तो ये दादा भगवान की हाजिरी में ऐसा मुझे भी हुआ था बोरिंग, तो ये पढ़ाई में जो सब्जेक्ट कच्चे लगते हैं ना,
वो बोरिंग लगेगा, क्योंकि हम उसमें डेप्थ में नहीं जाते, इंटरेस्ट कम होता है, आता नहीं है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसको छोड़ दो, उसमें बोरिंग है, ऐसा करके हम अवॉइड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और उसके पीछे मेहनत नहीं करते। तो मेरा भी ऐसा था अनुभव कि जो जो सब्जेक्ट मेरा मैथ्स भी बोरिंग था, तो मैंने फिर सुना और समझा कि भाई ये बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे इम्प्रूव करे। तो बोरिंग क्यों लगता था, उसके पीछे कोर्स क्या था, तो ढूंढा कि भाई मेरा इंटरेस्ट कम है अंदर पढ़ाई में, वो जो सब्जेक्ट है वो मैं कम प्रैक्टिस करता था, इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम वो सब्जेक्ट खोलते नहीं, तो देखते नहीं, अवॉइड करते। तो किसी ने मुझे बताया कि आप दादा भगवान के सत्संग में से ही बताया, तो भाई आप जो बोरिंग सब्जेक्ट है, बाद में मालूम पड़ा, तो वो सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, तो वो क्रिएट करने से आपको वो सब्जेक्ट में अंदर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट के बाद आप वो सब्जेक्ट जो बोरिंग लगता था, क्योंकि आपको अंदर वो आता नहीं था इसलिए बोरिंग लगता था, और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ इसलिए वो आप कच्चे थे वो सब्जेक्ट में। मगर फिर देखा सबको आता है मैथ्स अच्छी तरह से, तो मुझे क्यों नहीं आता है, मैं ट्राई नहीं करता हूँ इम्प्रूव करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे वो बोरिंग लगता है, वो समझ में आ गया। तब से मैंने ऐसे सोचा कि मेरा मैथ्स कच्चा क्यों है, और ये बोरिंग के वजह से, इंटरेस्ट के वजह से अच्छा है, तो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो दादा भगवान बोलते हैं जो इंटरेस्ट आपने क्रिएट करते हम वो, तो वो सब्जेक्ट कितना भी हार्ड लगता है तो इजी हो जाता है, और इजी होने के बाद आप वो सब्जेक्ट बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट आता है वही पढ़ते, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है वो छोड़ते नहीं है, वो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते, पढ़ाई करते, तो ये बोरिंग वाला सब्जेक्ट हम टच ही नहीं करते, वो अपनी गलती है। मगर उस जब तक मैंने, मेरा मैथ्स बहुत कच्चा था, फिर मेरा टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं, क्यों कच्चा है, इंटरेस्ट नहीं, तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, फिर इतना क्रिएट हुआ मैं मैथ्स छोड़ता ही नहीं था, जितना भी एग्जाम्पल आता है मैं करता हूँ, करता ही रहता, फुल प्रैक्टिस, फिर मेरे को इजी हो गया। जो इजी नहीं था, ट्रबल वाला था, हार्ड था, इंटरेस्ट नहीं था, वो इंटरेस्ट इतना क्रिएट हुआ, अपने आप हो गया, इम्पोर्टेंस उसकी समझ में आई कि मैथ्स बिना नहीं चलेगा। पहला ऐसा था मैथ्स बिना चलेगा, मगर अमुक लिमिट में चलता है एडमिशन के लिए, मगर आगे अच्छी अच्छी लाइन में मैथ्स की जरूरत कंपलसरी है, फिर तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट अपने आप हो गया। Okay, dear children, do you understand? Deepak Dada, please explain for Krupa shortly. So he said initially in math he was not, because he was not getting good marks, so he didn't even like that. So he went to satsang and he asked and he got the understanding that he must create interest in the subject which he doesn't like, which he is not getting good marks. So gradually that started, he started saying, I like it. And he started practicing. And when he started practicing, he started getting good marks. So automatically he started liking that subject also, and also he came to know that without math it is not possible to basically survive in life. So in academics you have to have mathematics, and mathematics is such a subject you can easily score
full marks. Maximum, I will say 2 to 5 marks only you will lose due to some silly mistakes. Otherwise, 95 plus percentage is very easy. Jai Sachidana. Yes, yes, Kripa, you understand? Okay, yes. So, but look, please, abhi ye socho, Mahesh Dada ne kya bola? Create interest. Darsal. Okay. Raji Dada, yeah. I believe we must prioritize on timetable. They don't have home timetable. That's why they mess up. Yeah, but you've been asking, Deepak Dada. Aapne bahut every day puchte timetable likho, timetable bhejo. Aur follow nahi karte. Kushi ka itna beautiful timetable hai. To follow nahi karte. To kya fayda? So, children, you have to get serious, okay? Okay, Jai Sachidanand.